द्वितीय दिवस में, और परम सौभाग्य है कि आज हम सबके समक्ष पुनः इस ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी हमको इस 350वीं श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस श्रवण कराने जा रहे हैं। तो पुनः पहले हम अभिवादन तथा धन्यवाद करेंगे महामंत्र उच्चारण करते हुए श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं हमारे इस चिंगरा फैमिली के द्वारा आमंत्रित समस्त वैष्णवजनों का, जो कि उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करके इस कथा को श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए इन सभी वैष्णवों का भी हम अभिवादन करें महामंत्र उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस लोकेश्वरीय प्रभु तथा ललिता सुंदरी माता जी को कि वे आए प्रभु जी को गार्लैंड ऑफर करें, महामंत्र के द्वारा इनका अभिवादन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाच भागवत कथा का यह द्वितीय दिन है जहां पर हम भगवान के पंचम अवतार से श्रवण करेंगे इस कथा को, और कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व सभी वैष्णव से निवेदन है कृपया अपना मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में रख दीजिएगा, जिससे कि कथा में कोई विघ्न ना हो। एंड मेक श्योर कि आप सब जो कथा में बैठे हैं यहाँ आगे से कोई मूवमेंट ना करें, आपको जो भी कार्य हैं आप पीछे जाकर वहाँ से उसको संपन्न कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है प्लीज़ मेक श्योर कि आप ड्यूरिंग द कथा यहाँ आगे से कोई पास ऑन ना हो, ना किसी को होने दे। ओके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट एज आई रिक्वेस्ट जो भी भक्त आगे आकर बैठ सकते हैं उन्हें पहले निवेदन है वे आगे आकर इस प्लेस को पहले कवर अप कीजिए, फिर जो बाद में आते हैं वे पीछे से बैठकर इस कथा को श्रवण करेंगे ताकि उनको आगे ना आना पड़े और ड्यूरिंग द कथा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हरे कृष्णा। सो आइए अधिक समय ना लेते हुए निवेदन करना चाहेंगे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कृपा पात्र शिष्य श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी से कि वह इस द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण कराए। हरे कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दी
जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, Thank you.
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गाइए भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला गाइए भज मुरली मनोहर नंदलाला भज यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय नंद यशोदा प्रेम से दुलार गिरिवर धारी गोपाल 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
नाम महा धन है अपनो नहीं दो। महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्तियों कमा छोड़ यटारी यटा जग की अम को कुटिया ब्रज माही बनाई 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 टूक मिले रसिको की सदा और पीपन को यमुना जल पा हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर आहा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हा गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय शिशि गौरनिताय जय गौरनिताय आह प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपद हर्षिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल चित चोर प्रभु जय जय माकन चोर
जय जय माखन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, डिंगरा परिवार के द्वारा निमंत्रित समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अमृत चर्चा जूम फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण बैठे हैं एवं इस सुंदर कथा का आयोजन करने वाले वैकुंठवासी श्री ब्रिजमोहन ढिंगरा एवं बाला माता का ये पूरा परिवार, हमारे प्रिय सुहद श्री लोकेश्वरीय प्रभु ललिता सुंदरी माता, उनके पुत्र कृष्णव, बेटी वान्या, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधेश, हमारी माता आई है, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है। कौन सी गुफा में चले गए थे? कोरोना की गुफा में। फरीदाबाद से हमारे हमारे प्रिय कुछ समय पहले इन्होंने कथा का आयोजन किया था। ब्रजभूषण प्रभु, उनके भाई, उनका परिवार, सभी महानुभावों का स्वागत। एक बार राजसूय सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से प्रश्न पूछा, हे नारद मुनि, आप हमारे गुरु के समान हो, कृपया करके मुझे यह बताइए, गृहस्थ एताम पदवीम विधिनाम येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रीहि मादृश गृह मुड्डधि। समझ में आया? नहीं है? संस्कृत था। और नहीं समझ में आया इसलिए तो आपने मुझे बुलाया है। लेकिन ये 5000 वर्ष पहले का इतिहास है। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और फिर उस यज्ञ में आप सब जानते हैं प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की गई और फिर हजारों की संख्या में सब लोग बैठे थे
वहां नारद मुनि ने सन्यास धर्म का वर्णन किया कि जो सन्यासी है वो भगवान को प्राप्त करेगा। यहां तक नारद जी ने यहां तक कह दिया सन्यासी ही भगवान को प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर महाराज तो गृहस्थ थे हमारे जैसे, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज सन्यासी ही भगवान को प्राप्त करेगा तो क्या हम गृहस्थों का नंबर नहीं लगेगा? तो गृहस्थम एताम पदवीम, हम लोग गृहस्थी में हैं, घर संसार में हैं, और हमारी गृहस्थी में रहकर घर संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता? कृपया करके गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करने की विधि बताइए। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर ने नारद मुनि को यह नहीं कहा कि कोई जादू टोना करके मंत्र मार के मेरे पीठ पर सर पर हाथ घुमा दो, महाराज कोई चमत्कार कर दो, टोना टुटका कर दो, ऐसा नहीं कहा। मुझे विधि बताइए, मुझे एक सिस्टम बताइए कि गृहस्थी में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विधि बताइए। और वो विधि कैसी होनी चाहिए? मादृश गृह मुड्ढधि, मेरे जैसा घर गृहस्थी में फंसा हुआ बिल्कुल अटैच्ड आसक्त आदमी भी उस विधि को कर सके और प्रभु की प्राप्ति कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को कहते हैं मादृशो, मेरे जैसा गृह मुड्ढधि, जिसकी धिया जिसकी बुद्धि केवल गृहस्थों में ही फंसी हुई है। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। गृह मुड्ढधि किसे कहते हैं जानते हैं? जो इस सिद्धांत पर जीता है। कौन से सिद्धांत पर? पैसा मेरा परमेश्वर। बोलिए बोलिए बोलिए, है तो बोलिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम? पैसा मेरा परमेश्वर, बीबी मेरी गुरु, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे बच्चे शालीग्राम, मेरे बच्चे बच्चे शालीग्राम, अब सेवा किसकी करूं, सेवा किसकी करूं। गुरुजन मंदिरों में काउंसलर मेंटर हमें कहते हैं कि भाई सेवा कीजिए, तो हम लोग क्या कहते हैं? पैसा ही मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु है, बच्चे बच्चे शालीग्राम, सेवा किसकी करूं, मेरा तो यहीं पर सब खत्म हो जाता है। जो इस प्रकार से अपनी घर गृहस्थी में पूर्ण रूप से आसक्त होकर लगा है, माइक बंद है, बुलाया है तो वसूल करना जरूरी है ना। ऐसे धीरे धीरे बजेगा तो थोड़ी चलेगा। बंगाल से आया है बाबा, सो सेवा किसकी करूं, जो गृहस्थ में पूर्ण आसक्त है। ऐसे गृहस्थ आदमी क्या भगवान की प्राप्ति कर सकता है? नारद जी ने कहा बिल्कुल कर सकता है। चलो होप तो है हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर कृपया करके नारद जी उपाय बताइए। एक बात कहूं, कृष्ण भी बाजू में बैठे थे, कृष्ण भी अपना मुंह बिगाड़ कर कहते हैं बताइए बताइए महाराज, इसकी तो एक पत्नी है, मेरी 16108 है, बहुत बड़ा झमेला है मेरा, बताइए उपाय बताइए, हम गृहस्थों को गृहस्थी में रहकर प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
सबसे पहले नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक गृहस्थों को जितनी जल्द भगवान की प्राप्ति हो सकती है उतनी सन्यासियों को नहीं हो सकती है। क्योंकि इतिहास खोलकर देखिए, गृहस्थों को जितने भगवान मिले हैं ना उतने सन्यासियों को नहीं मिले हैं। राम जी किसको मिले? गृहस्थ के घर पर आए ना। कृष्ण किसके घर पर आए? गृहस्थ के घर पर आए। 12 महाजनों का जिक्र कल हुआ, इन 12 महाजनों में गृहस्थ कितने, सन्यासी कितने? स्वयंभू ब्रह्मा जी गृहस्थ है, नारद इसको सन्यासी में छोड़ दीजिए, शंभु गृहस्थ है, कुमार ये सन्यासी है, कपिल गृहस्थ है, मनु गृहस्थ है, प्रहलाद गृहस्थ है, जनक गृहस्थ है, भीष्म इसको छोड़ दीजिए, बलि गृहस्थ है, वैयासकी सन्यासी, यमराज गृहस्थ है, मेजोरिटी गृहस्थ है। 12 महाजनों में लगभग 8 गृहस्थ है और 4 सन्यासी है। तो मजे की बात यह है कि हम गृहस्थों को जितने जल्दी भगवान मिलेंगे, हमारा क्या ना, हम थोड़ी सी भक्ति करेंगे भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि ये घर गृहस्थी चलाने में आधा तो ऐसे ही मरा हुआ है, इससे क्या अपेक्षा है, इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बेचारा ऑफिस से काम धंधे से आता है तो आधा तो ऐसे ही डूल हो गया है, थोड़ा बहुत 16 माला कर ले, 4 नियम पालन कर ले, प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन विधि बताइए, गृहस्थी में रहकर प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? राजसूय सभा का बहुत सुंदर इतिहास श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में। तब नारद मुनि कहते हैं, वैसे बहुत बड़ा इतिहास है, मैं संक्षिप्त में आपको, क्योंकि हम अवतार चरित्र सुन रहे हैं और ये अवतार चरित्र की क्या महिमा है यहां पर प्रस्तुत हो रहा है। श्री नारद मुनि कहते हैं कि युधिष्ठिर, गृहेषु वस्थितो राजन क्रियन क्रिया कुरुवन यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। ये विधि बता रहे हैं कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए। तो गृहस्थों के लिए सबसे पहली विधि क्या है? गृहेषु अवस्थितो, एक गृहस्थी को चाहिए कि वो गृहस्थी में अवस्थित रहे, वो अपनी गृहस्थी को कभी न छोड़े। इसके बहुत सारे अर्थ है। कई बार कुछ लोग कहते ना, अब मुझे तो भक्ति लग चुकी है, मेरा मन भगवान में लग चुका है, अब ऑफिस काम धंधा छोड़कर मैं तो ब्रज चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा। नारद जी मना करते हैं, नहीं। या कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं कि ये पत्नी माया है, बच्चे माया है, ये काम धंधा सब माया है, ये बच्चे ये पत्नी माया नहीं। माया हमारे दिमाग में है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थी को चाहिए कभी गृहस्थी ना छोड़े। और इसका दूसरा मैसेज है, कभी कभी घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद होता है, कभी मन भेद होता है, कभी डिसीजन में कोई तकलीफ होती है, लेकिन हमें कभी भी गृहस्थी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को कभी न त्यागे, पत्नी को चाहिए अपने पति को कभी न त्यागे। माने नारद मुनि प्रथम विधि बताते हैं कि गृहस्थी को कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी के बीच में मान लो मतभेद मनभेद हैं तो ये कर्म का फल है, हमारे कर्म में ऐसा लिखा होगा जो हम भोगत रहे हैं, ये दोनों को समझना चाहिए। और यदि डिवोर्स लेकर उससे भागेंगे, कर्म थोड़ी छोड़ने वाला है, यहां से दुख नहीं मिला तो वहां से मिलेगा, वहां से नहीं तो दूसरी और जगह से, वो दुख तो भोगत न है। तो फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है।
कर्म भोगतना ही है, तो राम जी जिस अवस्था में रखे उस अवस्था में रहकर कर्म को भोग कर खत्म करें। क्यों घर गृहस्थी को छोड़ना, क्यों नया कर्म बनाना। सो प्रथम विधि है गृहस्थी को गृहस्थी में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ये दिसंबर महीना चल रहा है ना, हो गया खत्म हो गया दिसंबर, तो पिछले महीने में भगवद गीता मैराथन चला, अभी भी चल रहा है, और हमारे इस्कॉन में लगभग सारे भक्त भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तो ये रोम रोम का स्वभाव है, नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने, प्रभु पादस्य साहित्य यत प्रकाश वितेर्य च प्रचारम कृतवान साधु भागवत पादायते नमः। इनका तो जीवन ही है भगवत गीता रूपी ज्ञान को संसार में बांटना। लेकिन होता क्या है, जब हम गीता बांटते ना तो कुछ लोग कहते नहीं 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 हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको हम हमारे बेटे को पढ़ने के लिए मना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे गीता पढ़ेंगे तो साधु बन जाएंगे, हमारे बच्चे गीता पढ़ेंगे तो सन्यासी हो जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे। मुझे एक दृष्टांत बताइए कि गीता पढ़कर कोई सन्यासी हो गया हो, साधु बन गया। भगवद गीता में कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम अपना काम धंधा छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले जाओ। एक्चुअली अर्जुन तो छोड़ना चाहता था, है ना, गीता के प्रारंभ में आप क्या सुनते हो, अर्जुन कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभावान शयम भोक्तुम भैक्ष्मी अपी हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजी ये भोगान रुधिर प्रतिग्धान। कृष्ण मैं भीख मांगकर जीवन बिता लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन तो युद्ध से विमुख हो रहे थे, अपना काम धंधा छोड़ रहे थे, कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। सो कृष्ण ने गीता में कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये सब छोड़ो है? कृष्ण चाहते हैं कि हम कर्म करें, लेकिन बुरे कर्म न करें, अच्छे कर्म करें। सो प्रथम गृहस्थी को चाहिए गृहस्थी में ही रहे, गृहेषु अवस्थितो राजन्। और गृहस्थी में रहकर क्या करें, कुरुवन क्रिया, अपने कर्म करें। देखिए हम लोग गृहस्थी हैं तो हमें अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए। आज 5 तारीख है ना, तो बीच में हम लोग इतने बिजी रहे, लोगों ने बहुत पूछा आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? है मैंने कहा मेरा तो रोज न्यू ईयर होता है, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से मेरे अपने भक्तों को, मतलब हमारे स्नेही जनों को मैं कहते आया हूं, यदि आप लोग मुझे मानते हो तो मेरा तजुर्बा ये कहता है, इन ग्रंथों को पढ़कर दुनिया में घूमकर, कि यदि कुछ करना चाहते हो भजन भक्ति को तो बैलेंस कैसे करें, तो मैं अक्सर कहता हूं 4S, एस 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 एस, ये 4S को क्रम के अनुसार हमारे जीवन में उतारना है। तो सबसे पहला एस क्या है, शरीर। यदि आप मेरे अपने हो, मुझे मानते हो, ये गीता भागवत पढ़कर जो मैं समझा हूं, तो मैं आपको यही कहूंगा, सबसे पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है ना, भक्ति में आने के बाद हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, सोल सोल करते हुए शरीर का सोल निकल जाता है। ये बात सत्य है कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा तब तक यहां टिकेगी जब तक ये शरीर है। आत्मा की उन्नति के लिए यह शरीर एक जहाज है, यदि शरीर ठीक होगा तो आत्मा की उन्नति कर सकते हैं।
यदि आपका शरीर ठीक नहीं तो क्या कथा में बैठ सकते हैं? यदि शरीर ठीक नहीं हरि नाम ले सकते हैं? शरीर ठीक नहीं क्या सेवा कर सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा कहा, जान है तो जान है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखिएगा। जरूरत से ज्यादा भोजन न करें, जरूरत से कम ज्यादा उपवास तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। युक्त आहार, गीता में कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, और युक्त आहार में भी सात्विक आहार, ज्यादा ऑयली नहीं खाना है। अब यहां तो ढिंगरा परिवार क्या क्या खिला रहे हैं हमें, कितनी आइटम, मैं तो आई खाया फिर आई खाया, मैं बोला कितनी है, हम तो गिन गिन के थक गए। हम 350 भी कथा थी, लेकिन सोचा कि ये कॉमन ही होगा, लेकिन मैं लोकेश्वरीय प्रभु और ललिता सुंदरी माता को कहूंगा कि 350 कथा में सबसे अधिक मात्रा में और सबसे सुंदर भोजन यदि प्रसाद खिलाया जा रहा है तो इस कथा में खिलाया जा रहा है। आप कैमरों कीजिएगा, ये कैमरा वाले को आज लेके जाइएगा वहां पर, क्या प्रसाद है यहाँ, और मुझे तो दिखाई दे रहा है क्या क्या है यहां से। लेकिन प्रसाद लोकेश्वरीय प्रभु ने दिया है, पेट तो हमारा है, ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें, शरीर भोजन, और जब उम्र हो चुकी है तो कुछ योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। शरीर जितना स्वस्थ होगा भजन उतना अच्छे से कर पाओगे। हमें बहुत दुख होता है, हमारी संस्था में अनेकों ऐसे आचार्य हैं, बहुत महान विभूति, लेकिन शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो लाखों करोड़ों का कल्याण होने वाला था वो रुक गया। सो शरीर का ध्यान रखिए, और शरीर के साथ साथ शरीर के जितने रिलेटिव हैं, पत्नी बच्चे माता पिता, उनका भी ध्यान रखें। क्योंकि एक बात समझिएगा, आज हम बच्चों का ध्यान नहीं रखते, पत्नी का ध्यान नहीं रखते, माता पिता का ध्यान नहीं रखते, लेकिन भविष्य में भगवान न करे आप कोई विषम परिस्थिति में फंस जाओगे ना, तो यही आपको काम आएंगे। दुनिया के लोग तो गाली देंगे, आपको प्रेम, आपको संभालने वाले आपके अपने ही होंगे। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। तो शरीर माने फिजिकल, हमारा शरीर, हमारा फैमिली, और शरीर में जुड़ा हुआ है हमारा काम धंधा बिजनेस, जॉब करते हैं तो जॉब, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, खूब अच्छे से करें। भगवान ने कभी कोई मना नहीं किया है, अच्छे से करें। तो पहला एस है शरीर, फिर दूसरा एस है साधना। जब ये आपका ठीक है तो फिर साधना ठीक से करनी है, क्योंकि 99% हमारी भक्ति साधना के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो साधना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, 16 माला जाप, और फिर और प्योरिटी से और अच्छे से हरि नाम का जाप। ये कंप्लीट हो गया तो फिर शिक्षा, टीचिंग। श्री प्रभुपाद जी चाहते थे मेरी संस्था में सबको अच्छे से शिक्षा मिले। प्रभुपाद जी को पूछते थे कि आपका ये मंदिर क्यों बना है, श्री प्रभुपाद जी यही कहते, इस्कॉन इज अ टीचिंग सेंटर। सो शिक्षा होनी चाहिए, ये तीसरा एस है, और अच्छे से शिक्षा हो गई तो फिर अंत में है सेवा। क्योंकि बिना साधना और शिक्षा के सेवा करोगे ना तो केवल अपराध करोगे। कई बार कुछ भक्त सेवा तो कर लेते हैं लेकिन अपराध कितने करते हैं। मान लो 10 लोगों को सेवा में बुलाया गया
और उसमें आठ आए दो नहीं आए, तो वे आठ भोजन परोसते समय कहेंगे वो साले दो नहीं आए हैं, हरे कृष्णा, वो दो नहीं आए, हरे कृष्णा। क्योंकि अच्छे से शिक्षा नहीं है ना, इसलिए सेवा हम करते हैं लेकिन सेवा करते हुए भी अपराध कर बैठते हैं। तो ये क्रम है, शरीर, साधना, शिक्षा और सेवा, ये चारों की जरूरत है, लेकिन चारों को क्रम से हमें आगे बढ़ाना है। श्री नारद मुनि कहते हैं गृहेषु अवस्थितो और कुर्वन क्रिया, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, जो मैंने ये चार है इसमें आपको बताई। और नारद जी कहते हैं कि अपने कर्तव्य को निभाए, लेकिन कैसे, यथा उचित, माने हमें ज्यादा संसार के कर्तव्यों में लिप्त नहीं रहना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमाइज करना है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कल कथा में क्यों नहीं आए थे, हमारे चाचा के, मामा के, ताऊ के, फलाने के, उसके उसके उसकी बेटे की शादी में गए थे, वहां जाने की क्या जरूरत है। जो इमीडिएट फैमिली है उसके लिए ठीक है ना, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। अरे जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए है, तो उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा हरि भजन होना चाहिए। सो अपने कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहिए, अपनी जंजाल को बहुत बड़ा नहीं बनाना है। और नारद जी आगे कहते हैं वासुदेव अर्पणम साक्षात, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे काम धंधा बिजनेस जो भी करते हैं, वो क्या करना है, वासुदेव अर्पणम। यही तो सनातन धर्म सिखाता है ना। सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो जो करते हैं सकलम नारायण को समर्पण कर देना, यही तो सनातन धर्म है, यही भक्ति है। तब लोग कहते हैं बाकी सब तो समझ में आता है, लेकिन अपना सब कुछ भगवान को दे देना ये थोड़ा कठिन है। तब नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा चिंता मत करो, भगवान को सब कुछ समर्पण करना ये कठिन है, लेकिन एक काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या, उपासित महामुनि, महामुनियों के साथ बैठो, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो सच्चे संत सच्चे साधु हैं, उनके चरणों में बैठो। गृहस्थी का सबसे मुख्य धर्म है अपने घर पर साधु संतों को बुलाओ और उनके चरणों में बैठो, उनकी सेवा करो। क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान की इतनी सेवा, तपस्या, साधना आदि नहीं कर सकते, लेकिन जो सच्चे साधु संत महात्मा है वो तो करते हैं, उनको घर पर बुलाए, उनकी सेवा करें, तो उनका फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थी को चाहिए साधु संतों की सेवा करें, और साधु संतों को अपने घर पर बुलाकर उनके चरणों में बैठे, और उनके चरणों में बैठकर क्या करें, उनके मुख से भगवत कथा सुने। हमारा क्या ना, एक तो साधु संतों को हम बुलाते नहीं है, और ऐसे साधु संत यदि हमारे घर पर आ भी गए तो हम हमारी कथा शुरू करते हैं, महाराज ये हमारा घर है, इतने बेडरूम है, इतना ये है, ये ऑफिस है, ये है फलाना ढिमका, तब तक तो साधु को जाने का टाइम हो जाता है। अपनी कथा न सुनाए, साधु के मुख से हम भगवत कथा सुने। अच्छा, साधु के मुख से क्या सुनना चाहिए, तब कहते हैं भगवंतम अवतार कथा शुभम। साधु संतों के मुख से हम गृहस्थी को भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए।
स्पेशल नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो श्रृणुवन भगवतो भिक्षणम अवतार कथा शुभम, भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। भगवान के अवतार की कथा कैसी है? शुभम, शुभ देने वाली है। हम गृहस्थियों के जीवन में कई बार अशुभ होते हैं, अमंगल होते हैं, कई बार कोई शोक का विषय बन जाता है, परंतु यदि हम भगवान के अवतार की कथा सुनते हैं तो शुभ ही शुभ हो जाता है। घर के आंगन में केवल शुभ लिख लेने से काम नहीं बनेगा, हम लिखते लाभ शुभ। अब तो ये भी जमाना गया ना, एक जमाना हुआ करता था घर के आगे लिखते थे शुभ लाभ, वेलकम, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। अब तो ये सब निकल गया, अब तो एक ही बोर्ड लगाता है बिवेयर ऑफ द डॉग, क्योंकि इस घर में ऐसे ही रहता है, सारे ऐसे ही है, सास्ता ऐसा ही हो गया। गृहस्थी को यदि शुभ बनाना चाहते हैं तो श्रृणुवन, सुनो भगवंतम अभिक्षणम, बारंबार सुनो, क्या सुनो? अवतार कथा मृतम, भगवान के अवतार की कथा सुनो। मानो युधिष्ठिर महाराज कहे हम गृहस्थ एक बार अवतार की कथा सुन लेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं बारंबार सुनना होगा। बोले भगवान के अवतारों की कथा बारंबार सुनने से अरुचि नहीं हो जाएगी? कभी नहीं होगी। संसार का कोई फिल्म देखो, गाना सुनो, दो पांच बार देख लेते हो, सुन लेते हो तो फिर अरुचि हो जाती, फिर कोई नया गाना चाहिए। लेकिन भगवान के अवतारों की कथा कैसी है? अवतार कथा अमृतम, भगवत अवतार चरित्र की कथा अमृत के समान है। और अमृत का क्या अर्थ होता है? न मृत इति अमृत, जिनमें से रुचि कभी मरे नहीं, जिसको बारंबार सुनो तो सुनने का और आनंद आए। यत् शृणुवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, रुचि बढ़ती जाए बढ़ती जाए। मैंने मेरे जीवन में देखा है लोकेश्वरीय प्रभु के आप आजकल ये हॉलीवुड वाले बॉलीवुड वाले कैसे कैसे मूवी बनाते हैं और उसमें कितना खर्च करते हैं, हैं? 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, कितने बड़े बजट पर मूवी बनते हैं, लेकिन वो मूवी कितने दिन तक थिएटर में चलते हैं बताइए? महीना, दो महीना। बाहुबली बीच में बहुत अच्छा आया था, देखा ना आपने? देख लेना चाहिए। तो कितने दिन चला बताइए? अच्छे से अच्छा मूवी होगा तो 2 महीना 3 महीना। 1,000 करोड़ 15,000 करोड़ के खर्चे पर जो मूवी बनते हैं वो महीने 2 महीने में उतर जाते हैं। लेकिन भगवान के अवतारों की कथा, भागवत कथा पिछले 20 साल से गा रहा हूं और शो हाउसफुल जा रहा है, 350 भी कथा चल रही है और हाउसफुल शो जाता है बताइए? उसमें तो खर्च भी करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं और क्या क्या, और अनुभव है। आप मूवी में देखोगे पहले दिन ज्यादा लोग, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, फिर कम 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 कम, घटत घटत घट जाए। और भागवत कथाओं में हम देखते हैं पहले दिन कम होते हैं, दूसरे दिन ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, चौथे दिन और ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि भागवत कथा में जो रुचि है वो बढ़ती है और संसारिक वार्ता में जो रुचि है वो घटती है। क्यों? क्योंकि भागवत चरित्र अमृत है, इसमें आनंद है। आप अंदाजा लगा सकते हो 350वीं कथा है तो ये जो राधा माधव मैंने गाया, मैंने कितनी बार गाया होगा? एक कथा में 7 बार गाता हूं तो कितनी हजारों बार मैंने राधा माधव, लेकिन आज भी गाता हूं तो कुछ नया अनुभव होता है। मैं मंगलाचरण कितनी बार बोला होऊंगा? मैं इन अवतार कथा चरित्र कितनी बार, लेकिन जितनी बार मैं बोलता हूं उतनी बार कुछ नया अनुभव, कोई नया एहसास होता है। क्योंकि
इस ग्रंथ का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। यद्यपि ये पुराण नहीं महापुराना ग्रंथ है, परंतु इस ग्रंथ में नित्य नवीन एहसास होता है, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। और भगवान कैसे हैं? आमार माधुर्य नित्य नव नव है। कृष्ण को अभी देखो, दो मिनट के बाद देखोगे तो कुछ और होंगे, तीसरे मिनट में कुछ और ही दिखाई देंगे। जैसे भगवान का माधुर्य नित्य नवीन है, वैसे भगवान की कथा भी नित्य नवीन है। संतों ने इस भगवत कथा को गंगा कहा है। कथा नदी की धारा है। आप लोग गंगा में स्नान किए हैं, हैं? गंगा में आप खड़े हो और आपको जो जल स्पर्श करके चला गया वो बाद में फिर कभी आता है? गंगा का जल, आप गंगा में खड़े हो तो गंगा का जल प्रति सेकेंड, प्रति घड़ी आपके लिए नया है। ठीक उसी प्रकार भागवत गंगा के समान है। प्रति पल, प्रति घड़ी आपको कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया एहसास होता है। सो गृहस्थियों को श्री नारद मुनि साधु संतों के मुख से अवतार चरित्र श्रवण करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, गृहस्थी में रहकर साधु संतों के मुख से अवतार चरित्र सुनेंगे तो गृहस्थी में रहते रहते ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे अवतारों की कथा ढिंगरा परिवार के द्वारा दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। गत सत्र में प्रथम दिन हमने चार अवतार सुने। पहला अवतार कौन सा है? सनकादिक, वेरी गुड। दूसरा अवतार वराह। तीसरा अवतार है नारद। चौथा अवतार, वेरी गुड, चलो याद है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि कथा में लोग भोजन के लिए ही आते हैं, दिखा पूछ उन लोगों को, ये जवाब है मेरा, कितना याद रखते हैं भक्त लोग है? आइए अब हम पांचवे अवतार, आज हमारी एवरेज है कि पांच अवतार की कथा करूं। पहले है ना पांच दिन की टेस्ट होती थी क्रिकेट में, पांच पांच दिन तक क्रिकेट चलती थी। फिर जमाना तेज हुआ तो वनडे शुरू हुई, 50 ओवर की मैच। फिर और जमाना तेज हुआ तो अब 2020 शुरू हो गया है। तो मेरी कथा आप 2020 ही समझिए, एक दिन में पांच अवतार करने हैं। सो राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, एक जब की आई तो एक अवतार गया, समझ लीजिएगा। तो अपने आप को सावधान रखिए। और मैं तो अक्सर कहता हूं, सोने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोना है उतना सो जाओ, लेकिन सोने वालों के अगल और बगल में जो बैठे हैं वो नरक में जाते हैं। हाँ, ये बात पक्की है। आपको सोना है नो प्रॉब्लम, लेकिन जो सोएगा उसके आजू और बाजू में जो बैठा है वो नरक में निश्चित जाएगा। इसलिए आपके बाजू में कोई सो रहा हो तो थोड़ा सा कोणी मार दीजिएगा, फिर वो भी आपके सामने घूर के देखेगा, वो जताना चाहेगा, मैं सोई नहीं थी, मैं ध्यान में थी, तेरा ध्यान है। तो भगवान का पांचवा अवतार है, कौन सा है? कपिल अवतार। श्री कपिल देव भगवान की जय। बहुत सुंदर ये अवतार है। भगवान कपिल के विषय में नाम सुना ना, कपिल देव भगवान। भगवान कपिल देव के विषय में ऐसा कहा गया कि अन्य अवतारों को प्रकट करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। राम अवतार में देवताओं ने कितनी प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक
प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय यसुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। देवताओं ने राम जी को बहुत पुकारा तब जाकर दशरथ और कौशल्या के पुत्र बनकर आए। कृष्ण अवतार में देवताओं ने पुकारा, पुरुष सूक्त स्तुति की, तब जाकर कृष्ण मां देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आए। नरसिंह अवतार में प्रहलाद ने पुकारा, हरि अवतार में गजेंद्र ने पुकारा, अन्य अवतारों में भगवान को पुकारा गया और फिर भगवान देरी से तो देरी से आ गए। लेकिन एक अवतार ऐसा हुआ जिनको बुलाया नहीं गया, अपने से आ गए, स्वयं एव। और अपने से कैसे आ गए? क्योंकि सुंदर गृहस्थी को देखकर भगवान के मन में लोभ हो गया, यार बेटा बनना है तो इसका। देखिए श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन ऐसा बनाओ, अपनी घर गृहस्थी पति पत्नी मिलकर भजन भक्ति कुछ ऐसी करो कि भगवान को भी लोभ हो जाए कि मैं इनका बेटा बनकर प्रकट हो जाऊं। ऐसा ही हुआ। मनु और शत्रुपा की बड़ी बेटी जिसका नाम था देवहूति, जो जन्म से ही सुसंस्कृत थी, जिसके मन में भगवान के प्रति रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी, और जब वह 16 साल की हुई तो पिता मनु ने कहा कि बेटा अब तेरा विवाह करने का समय आ चुका है, बता तुझे कैसा वर चाहिए। अब आज की बेटी को पूछो तुझे कैसा पति चाहिए, लंबा चौड़ा लिस्ट होगा। हाँ पिताजी, उसके लाइक बहुत होने चाहिए, फेसबुक में इंस्टा में उसके फॉलोअर बहुत ज्यादा, हमारा तो यही मापदंड आजकल हो गया है। धन्य है देवहूति मैया। अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, बहुत बड़े बाप की बेटी थी है, ये 14 लोग है ना पृथ्वी के नीचे 7 ऊपर 7, यह 14 लोग पूरे ब्रह्मांड के बादशाह मनु थे और उसकी कन्या थी, साधारण नहीं थे। लेकिन कहा कि मेरा होने वाला पति कैसा भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुंदरता रूप धन यौवन आज है कल नहीं है, लेकिन हाँ पिताजी मैं भक्ति करना चाहती हूँ, भजन करना चाहती हूँ, मुझे कोई डिवोटी कोई भक्त पति मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, मेरा जीवन भजनमय भक्तिमय होगा। मनु महाराज ने कहा ठीक है, तेरी चॉइस हमें पता चल गई, हम प्रयास करेंगे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से ही एक पुत्र हुए जिसका नाम था करदम। क्या नाम था? करदम। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। अब ये करदम भी आज के बेटे की लड़कों की तरह थोड़ी थे, बाप कहे शादी कर लो ये तो तुरंत जाकर शादी कर लेगा। करदम ऋषि ने तपस्या की, ऐसा कहते हैं 1000 वर्ष तक बिना खाए बिना पिए उन्होंने तप किया, और इनकी तपस्या को देखकर भगवान का हृदय गदगद हो गया, प्रभु की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बस करदम, बस बहुत हुआ, मेरी भक्ति के लिए मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, बस बस अब बहुत हुआ। ऐसा कहते हैं इनकी तपस्या को देखकर भगवान की आंखों से इतने आंसू निकले कि उन आंसू का एक सरोवर बन गया, सरोवर का नाम हुआ नारायण सरोवर, जो आज भी गुजरात में है, नारायण बिंदु सरोवर, सॉरी। भगवान ने कहा करदम तुझे क्या चाहिए बता। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु पिताजी की आज्ञा है कि मैं विवाह करूं, तो बोल तुझे कैसी पत्नी चाहिए।
अब आज के लड़कों की तरह थोड़ी ना, काले बाल होने चाहिए, जीरो फिगर होना चाहिए, ऐसे फूप मारें तो उड़ जाए। और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। करदम जी ने कहा कि मुझे भक्ति करनी है, कोई भक्त पत्नी मिल जाए तो प्रभु आपकी कृपा होगी। तो भगवान वादा करते हैं कि करदम, आज से ठीक 3 दिन के बाद ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर आपके पास आएंगे और आपसे विवाह कराएंगे। भगवान चले गए और तीसरे दिन आए मनु महाराज, शत्रुपा देवी अपनी बेटी देवहूति को लेकर। करदम ऋषि बिंदु सरोवर के तट पर झोंपड़ी में, कुटिया में रहते थे, और ये राजा की बेटी। राजा नीचे उतरे, कहा मेरी बेटी का पानी ग्रहण करो। पानी ग्रहण समझते ना, विवाह में एक विधि होती है पानी ग्रहण, जिसे कहते हैं हस्त मिलाप, वर वधु के हाथ ऐसे मिलाए जाते हैं। मिलाते हैं आप लोगों में? एक बार किसी भक्त ने पूछा, प्रभु विवाह के समय वर वधु के ऐसे हस्त मिलाप होते हैं, पानी ग्रहण क्यों? मैंने कहा, कभी WWF देखा है या फिर बॉक्सिंग देखा है? दोनों खिलाड़ी रिंग में आते हैं, पहले क्या करते हैं और बाद में? बस जीवन भर झगड़ा करना ही है तो शादी के दिनों ये हाथ जमकर मिला लेते हैं। सो मनु महाराज ने निवेदन किया, करदम जी तो बड़े ईमानदार थे, हमारी तरह थोड़ी न थे। वास्तव में कुछ और होता है और फेसबुक इंस्टा में कुछ और ही होता है, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि आप तो राजा हो, आपकी बेटी राज परिवार में पली बड़ी हुई है, और मैं झोंपड़ी में रहने वाला फक्कड़ सन्यासी, मेरे साथ आपकी बेटी कैसे रह पाएगी? मनु महाराज ने कहा, हमने हमारी बेटी को तो समझाया है, हमें तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी आप दोनों बात कर लीजिए, पर्सनल मीटिंग कर लीजिए। मनु महाराज बाहर आए, देवहूति झोंपड़ी में गई, और मनु महाराज ने भी बहुत सुंदर, सॉरी करदम ऋषि ने भी बहुत सुंदर परीक्षा की। कहा कि देवी आसन ग्रहण करो, आसन दिया, स्वयं आसन पर बैठे थे और देवहूति को आसन दिया, आसन पर बैठिए। अब देवहूति बुद्धिमान, बोले मैं इनकी पत्नी होने वाली हूं और पति के बराबर आसन पर बैठना ये पतिव्रता धर्म नहीं है। आज भले पति नीचे बैठा हो, पत्नी ऊपर बैठी हो, आजकल तो पत्नी की लीला ही कुछ और होती है। किसी पार्टी में जाते हैं और कोई पूछता है, आपके बाजू में ये कौन? इज माई हस्बैंड, ऐसा कहती है कि जैसे अपने बेटे का परिचय दे रही है। आर्यवर्ष की नारी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती थी, ये हमारी संस्कृति परंपरा हुआ करती थी कि किसी पत्नी को पति को बुलाना है तो अपनी बेटी या बेटे का नाम रखकर बुलाती थी, और ऐसा करने से पति की उम्र बढ़ती थी। जो पत्नी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती, उस पति की उम्र बढ़ती है। तो कुछ पत्नियां सोचती हैं कि आज से पति के नाम की माला जपूंगी, साला जल्दी मरेगा और मुझे शांति मिलेगी। ये उनके लिए है जिसको जल्दी मारना है, लेकिन जिसको अपना पति सुहाग अमर करना है, अखंड करना है, तो उनको मर्यादा में जीवन बिताना चाहिए। सीता जी ने अपने जीवन काल में कभी भी अपने मुख से अपने पति राम जी का नाम नहीं लिया। कई आदिवासी महिलाओं ने उनको बुलवाने का प्रयास किया, यमुना के तट पर बैठे थे वनवास के दौरान, और कोल बिल की स्त्रियां सीता जी को कहती थी कि सीते, ये तुम्हारे साथ करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित करने वाली श्याम वर्ण की मूर्ति ये है कौन? अब पूछा राम जी के लिए, और सीता जी की मर्यादा देखो। सीता जी कहती हैं कि जिसने नील वर्ण धारण किया है और जो गोरे रंग के हैं,
उसका नाम लखन है, लक्ष्मण है, और वो मेरे छोटे देवर है। स्त्रियां कहती उसके बारे में नहीं, उसके बाजू में जो है उसके बारे में हम पूछ रही है। जब राम जी के ऊपर सीता जी की दृष्टि गई तो शर्माते हुए अपना घूंघट आगे करते हुए, अच्छा उसके बाजू में जो है ना वो मेरे वो है, हो गया मेरे वो है। वो वन में रहने वाली कोल भील आदिवासी महिला समझ गई, इतना क्लेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है, इज माय रमेश। मर्यादा। खैर, तो यहां देवहूति को आसन दिया गया। अब आसन पर बैठे तो होने वाले पति की बराबरी हो जाए, आसन पर न बैठे तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, क्या करें। बुद्धिमान थी, अपना एक हाथ आसन पर रखा जिससे आसन ग्रहण हो गया, और फिर नीचे बैठ गई जिससे होने वाले पति की बराबरी से एक कदम नीचे रही। ये स्त्री का धर्म है। पता नहीं पाश्चात्य संस्कृति आजकल चली है लेडीज फर्स्ट है? ये लेडीज फर्स्ट ये हमारे वेदों की संस्कृति नहीं है। हाँ, माताओं का स्थान बहुत ऊंचा है हमारे देश में। एक नारी पूजनीय मानी गई है, वो देवी शक्ति मानी गई है। लेकिन जहां पुरुष और स्त्री की बात है वहां पुरुष आगे अच्छा लगता है, स्त्री पीछे अच्छी लगती है। और इतिहास है, पितामह भीष्म जब गंधार नरेश के पास गए और धृतराष्ट्र का हाथ मांगे कि हमारे बेटे धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हो, तो गंधार नरेश ने स्वीकार किया। पितामह भीष्म ने कहा लेकिन हमारा लड़का जन्म से अंधा है। बोले कोई बात नहीं। और ये बात गंधार नरेश की बेटी गांधारी को पता चली, मेरा होने वाला पति अंधा है, आप सब जानते हैं। उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं दुनिया को देखकर क्या करूंगी। लोगों ने गांधारी को कहा कि भाई तुम्हारी आंखें होगी तो पति की अच्छे से सेवा कर पाओगी, तुम क्यों अपनी आंखें बंद कर रही हो। गांधारी ने बहुत सुंदर कहा कि चलो आंखें होगी मैं सेवा तो करूंगी, लेकिन सेवा करते करते स्वप्न में भी मुझे ऐसा आ गया कि मेरा पति अंधा और मैं आंख वाली हूं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे वेदों में सात सती का वर्णन हुआ है, उनमें से एक है गांधारी माता, है ना। और जो इस प्रकार से अपना जीवन बिताती है उसके जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं आता। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने ये सब सिद्धांत और नियम बदल दिए हैं, और इसी का कारण है कि आज का मानव समाज और विशेष करके स्त्रियों के हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब कुछ है, धन संपत्ति कोई किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, संतोष नहीं, क्योंकि एक धर्म चुका जा रहा है और वो है पतिव्रता धर्म। लेकिन देवहूति ने इस धर्म को निभाया। कर्दम के साथ विवाह हुआ, विवाह के बाद तुरंत कर्दम ऋषि को समाधि लग गई, 60 वर्ष तक वो समाधि में चले गए। लेकिन देवहूति एक दिन भी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, और पति की सेवा करते गई। और 60 वर्ष के बाद समाधि खुली तो देखा मेरी पत्नी ये हालत में, अपनी पत्नी को सुख सौभाग्य दिया, और दोनों भगवान के भजन में तरबोल सराबोर हो गए। और कर्दम और देवहूति ने ऐसा भजन, ऐसा ऐसी भक्ति, ऐसी सुगंधित गृहस्थी इनकी कि भगवान को लोभ हो गया, यार मुझे बुला तो नहीं रहे हैं लेकिन ऐसी गृहस्थी के घर पर मुझे बेटा बनकर जाना चाहिए। बिना बुलाए, बिना बुलाए कर्दम और देवहूति के घर पर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन दोपहर को 12 बजे कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। श्री कपिल देव भगवान की जय। ऐसी गृहस्थी होनी चाहिए कि भगवान को लोभ हो जाए कि हम इसके घर पर पुत्र बनकर चले जाए।
एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ब्रिटेन में लंदन में कथा कर रहे थे, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आपके किशन भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं? राम अवतार भारत में, कृष्ण भारत, नरसिंह, वराह, वामन, भगवान के सारे अवतार भारत में ही क्यों होते यार? एक तो लंदन में हुआ होता, एक तो अमेरिका में हुआ होता, एक तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता, सब भारत में। तब गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भगवान को तो अमेरिका में भी अवतार लेना है, ब्रिटेन में भी लेना है, लेकिन भगवान को अवतार लेने के लिए यहां अच्छे माता पिता नहीं मिल रहे हैं। आप लोग आज शादी करते हो, साथ में डिवोर्स के पेपर अटैच ही रखते हो कि कब देना पड़े, है? वो शादी के जो पेपर बनते हैं वहीं पर डिवोर्स के साथ में ही सिग्नेचर सब रेडी होता है कि कब सुबह हो और इसको डिवोर्स दे दे। तो यहां घर गृहस्थी में, पति पत्नी में है? कोई मन मेल और भजन भक्ति नहीं, इसलिए भगवान नहीं आते। भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को आने के लिए एक पवित्र गृहस्थी चाहिए। तो भगवान कपिल देव प्रकट हुए हैं। मैं ज्यादा क्या कहूं, एक अवतार के लिए आधा घंटा है। ये सारे अवतार मुझे रास्ते में मिलेंगे ना तो मारेंगे कि आधा घंटा ही दिया तूने मुझे। हम लोग दो दो तीन तीन घंटे के आदमी है और आधा घंटा में तू अच्युतम कैसे हम कर रहा है? तो मैं लोकेश्वर ये प्रभु के पास भेज दूंगा, उसके पास जाओ, उन्होंने ऐसा आयोजन किया है ना। एक एक बात बहुत डिटेल में हम ये सब सुन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में समझिए कि भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए और कर्दम ऋषि संन्यास लेकर चले गए। एक दिन भगवान कपिल देव अपने आसन पर बैठे हैं और माता देवहूति दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव के पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु यूं तो मैं आपकी मां हूं, आप मेरे बेटे हो, लेकिन आज मैं आपकी मां बनकर नहीं, मैं एक जिज्ञासु बनकर है, मैं आपकी शिष्या बनकर आपके पास आई हूं, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या होती है, चाहे छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बहुत बहुत समस्या होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अध्यात्म में होता है। अध्यात्म एक ऐसा तत्व है जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। सो माता देवहूति अपनी समस्या लेकर आती हैं, कहती हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरा जीवन अशांत है, मुझे इन दुखों से मुक्त होने के लिए, अशांति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कपिल देव, वैसे तो श्लोकों में ये सारी बातें होती हैं, मैं आपको सार सरल भाषा में कहूं, भगवान कपिल देव कहते हैं कि दुख का कारण है बंधन। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि बंधन है, और बंधन का कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। संसार की किसी व्यक्ति और किसी वस्तु से आसक्ति, ये दुख का कारण। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दुख। तो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु, बड़े बड़े लोगों ने ऐसा कहा है कि दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। और जब तक जीवन में आसक्ति होगी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए हमें आसक्ति से मुक्त होना है। हम सबके जीवन में आसक्ति है, बच्चों के प्रति आसक्ति,
धन संपत्ति के प्रति आसक्ति, घर बार के प्रति आसक्ति, कहीं ना कहीं हम लोग आसक्त हैं और ये आसक्ति दुख का कारण है। तो माता देवती कहती इन आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करें। भगवान कपिल देव कहते हैं कि आसक्ति को निकाला नहीं जा सकता, ऑपरेशन करके इसे बाहर फेंका नहीं जा सकता, लेकिन एक सरल उपाय है कि जो आसक्ति संसार में है स एव साधुषु कृते, वही आसक्ति हम साधु संतों में सत्संग में कर लेते हैं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है, मोक्ष द्वार अपावृतम। आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, साधु संतों के साथ बैठना चाहिए। तो माता देवहूति ने पूछा समझ में आ गया, लेकिन साधु किसे कहते हैं। इस कलयुग में साधुओं को परखना पहचानना बड़ा कठिन है। साधु किसे कहते हैं। तो भगवान कपिल देव ने कहा साधु जो है ना कपड़ों से नहीं होता। कई बार हम लोग लंबी लंबी दाढ़ी और धोती कुर्ता मुंडन समझ लेते हैं कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। कपड़ों से कोई या आश्रम से कोई साधु नहीं होता, साधु गुणों से होता है। जिनमें साधुओं के गुण है वो साधु है। तो साधुओं के गुण क्या है, भगवान कपिल देव कहते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेही नाम अजात शत्रु वशांत साधव साधु भूषणा। साधु का पहला गुण है सहनशीलता, जो सहन करे वो साधु। छोटी छोटी बातों में क्रोध कर दे, छोटी छोटी बातों में किसी को डांट दे, ये साधु नहीं है। साधु अंतिम घड़ी तक सहन करता है, संसार के अपमान को सहन करता है, लोगों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन करता है, जीवन में आई दुर्घटना को सहन करता है, जो सहन करे वो साधु। ये पहला गुण है। दूसरा कारुणिका, जिनके हृदय में करुणा है, जीवों के प्रति करुणा। अब इसमें वो तो सारे माइनस ही हो गए, जो लोग कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, बकरे खाओ मुर्गी खाओ, ये तो सब माइनस ही हो गए, क्योंकि जो दूसरे जीवों को मारकर काटकर खाते हैं उसमें तो कोई करुणा है ही नहीं। साधु में करुणा होती है। साधु किसी भी जीव को, चींटी से चींटी को भी परेशान नहीं करता, करुणा से भरा होता है साधु। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेही नाम, और साधु के हृदय में सभी जीवों का सुहद भला करने की भावना होती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि मैं क्या करूं जिसे जो है मेरे साथ उसका कल्याण हो। ये साधु, साधु जिसका कोई शत्रु नहीं होता। दुनिया के लोग भले उसे अपना शत्रु माने, कॉम्पिटिटर माने, लेकिन साधु कोई कॉम्पिटिशन में नहीं उतरता, उसका कोई शत्रु नहीं होता। साधु जो सरल होता है, साधु जो अंदर और बाहर से समान होता है, साधु जिसमें कपट नहीं होता, साधु जो शास्त्र को अपने जीवन में पालन करता है। ऐसे साधु संतों की संगति करोगे सताम प्रसंगान ममवीर संविदो भवन तिरित्करण रसा यणा कथा तज्जोषणादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति मां। ऐसे शुद्ध संतों की संगति करोगे, कैसे, जो संत मेरे आश्रय में जीते हैं, जिसका जीवन ही मेरी कथा है, मदाश्रया मद कथा मृष्टा श्रुणवंती कथयंती च, जो निरंतर मेरी कथा सुनते रहते हैं, निरंतर मेरी कथा गाते रहते हैं, तपंती विविधास्तापा न येतान मदगत चेतस, चाहे उनके जीवन में कुछ भी हो जाए वो कथा का आश्रय नहीं छोड़ते, ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करोगे ना मां
तो इसी जन्म में आपके हृदय में श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम और मृत्यु के बाद भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया, माता देवहूति की चिंता दूर हुई, माता देवहूति का उद्धार हुआ, भगवान कपिल देव गंगा सागर चले गए। और ऐसे भगवान कपिल देव के अवतार का चरित्र यहाँ पर हम समाप्त करते हुए अब छठे अवतार की ओर आगे बढ़े। उसके पहले 2 मिनट के लिए खड़े होकर कीर्तन करते हैं और फिर अगले अवतार की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आइए नाता तोड़ा मैंने जग से,
ये कैसी पागल प्रीत के दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया, सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया, मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जग से
बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई, लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लाज कुल कानी घुट गई। या कीने हलगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जय हो बाऊजे। कुंडल जल कपोलन सो है, कुंडल जल कपोलन सो है, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में। अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाय रहो तन मन में, मोहन बस गयो मेरे 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 मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई, याकीने हलगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी। बिहारी चले आए बिहारी, आए बिहारी चले आए, बोलो राधे 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 रटो चले आए बिहारी, राधे राधे रटो चले आए बिहारी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल
आए हो। Hare Krishna, please devotees kindly take your place as soon as possible so we can start Hari Katha again. सभी भक्तों से निवेदन है कृपया जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कथा पुनः प्रारंभ हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। शांति धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन नृत्य आप सब भक्तों ने किया। आइए अब छठे अवतार की कथा हम सब श्रवण करें। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार छठे अवतार की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर गृहस्थी हुए है, पता नहीं आज गृहस्थों की कथा ही आ रही है, जिनका नाम था अत्री और अनसुया। अत्री और अनसुया दोनों पति पत्नी थे। अनसुया माता परम पतिव्रता नारी हुआ करती थी। अत्री का अर्थ होता है
त्रि माने तीन गुण, मोड ऑफ नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जो तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से ऊपर है, उसे अत्रि कहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रे गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तमोगुण से भी ऊपर उठो, रजोगुण से भी ऊपर उठो और सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, और हम सबको शुद्ध सत्व में स्थित होना है। तो जो तीनों गुणों से परे हैं उसे अत्रि कहते हैं। अत्रि ऋषि शुद्ध सत्व में स्थित है, और ऐसे अत्रि ऋषि की पत्नी है अनसुया। असुया का अर्थ होता है ईर्ष्या, और अनसुया माने जो कभी किसी की ईर्ष्या न करें, जो कभी किसी से द्वेष न रखें, उसे अनसुया कहते हैं। अनसुया माता अत्रि ऋषि चित्रकूट में रहते हैं, और मां अनसुया अत्रि ऋषि की बहुत सुंदर सेवा करती हैं। अपने पति की पतिव्रता नारी हैं, पति को पूर्ण रूप से प्रसन्न रख रही हैं। एक दिन नारद मुनि, नारद जी तो सब जगह आएंगे, नारद मुनि विचरण करते करते वैकुंठ में गए, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को कहा, क्या 24 घंटा चरण दबाती हो, अपने पति को कैसे प्रसन्न करना चाहिए ये यदि सीखना चाहती हो तो अनसुया देवी से सीखो। तीनों लोकों में अनसुया का यश तीनों लोकों में फैल रहा है। अनसुया परम पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे से भी ज्यादा, तुम हो क्या, चरण दबाने के अलावा और कुछ आता भी है। अनसुया देवी के देखो कितना यश फैल रहा है। जब इस प्रकार से दूसरी स्त्री का यश फैलने की बात लक्ष्मी जी ने सुनी तो तुरंत पार्वती को फोन किया और ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी को कॉन्फ्रेंस में लिया, मतलब थ्री वे लाइन में चर्चा होने लगी। लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और पार्वती से कहती हैं, सखी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? बोले, हमारे रहते किसी और का नाम फेमस हो रहा है, हमारे रहते हम रात दिन पतियों की सेवा में लगी हैं, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा तो अनसुया फेमस हो रही है, हमारे रहते वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्या करे ब्रह्माणी पार्वती, क्या करे क्या करे। बोले, काम करते हैं, यदि ऐसा ही है तो अपने अपने पतियों को परीक्षा करने के लिए भेजते हैं। हाँ सखी, मेरा वाला तो सोते ही रहता है, लॉकडाउन में भी सोया, लॉकडाउन के बाद भी सोया, गर्भदक्षाई सोना, शिरदक्षाई सोना, कर्णदक्षाई, जहां जाओ वहां सोना सोना सोना। ब्रह्माणी ने कहा, मेरा वाला तो केवल वेद ही पढ़ते रहता है, उसको और कोई काम धंधा नहीं है। पार्वती ने कहा, मेरा वाला ध्यान में बैठे रहता है। तीनों को भेजते हैं। तीनों पत्नियों ने अपने अपने पति को भेजा अनसुया की परीक्षा लेने के लिए, जाओ अनसुया की परीक्षा लेकर आओ। और तीनों निकले हैं और मार्ग में मिले, तीनों एक ही रोग के शिकार थे। जब मिले तो कहे, जो तोर गति वो मोर गति है, तुझे पत्नी ने भेजा। बोले, मुझे भी पत्नी ने भेजा। क्यों भेजा? अनसुया की परीक्षा लेने के लिए। सो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों धरती पर चित्रकूट में
मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं। तीनों ने सोचा कि उस पतिव्रता नारी की परीक्षा क्या करेंगे, तो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ये तीनों ब्राह्मण बन गए और अनसुईया के द्वार पर जाकर कहा, भिक्षान देही। अनसुईया आई और कहा, रुकिए महाराज, मैं कच्चा सीधा आटा लेकर आती हूं। वो आटा लेकर आई, ब्राह्मणों ने कहा, हमको ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, भिक्षा तो चाहिए, लेकिन तुम निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगी तो ही हम ग्रहण करेंगे। अब अनसुईया माता निर्वस्त्र होकर कैसे भिक्षा दे, पतिव्रता नारी है, पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र के, पर ये तो परीक्षा लेने आए थे, और भिक्षा के लिए मना कर दे तो भी धर्म टूटे, धर्म संकट हो गया, क्या करूं। मन में सोचा, कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन स्मरण न किया हो तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन जाए। इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु में छोटे छोटे बच्चे बन गए और फिर उनको जो भिक्षा देनी थी भिक्षा दे दी, धर्म कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब इन बच्चों का करे क्या, तीन पलने मंगाए और झूले में तीनों को सुला दिया। अब एक दिन बीता, दो दिन, तीन दिन, दस दिन बीता, लक्ष्मी जी ने पार्वती को फोन और ब्रह्माणी को कॉन्फ्रेंस में लिया, सखी हमारे पति घर पर नहीं आए, कोई किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, ये बम बम बहुत फूटते हैं, कहीं वहां तो नहीं मर गए होंगे, क्या हुआ होगा, हमने व्यर्थ ही भेज दिया, ये सोते ही बराबर है, ये कोई काम ठीक से नहीं करते है। तीनों क्रोध करने लगी, बोले सखी अब क्या करें, चलो इसको खोजने चलते हैं, ढूंढते हैं। तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती दोनों धरती पर आई अपने अपने पतियों को खोजने के लिए और अनसुईया माता के घर पर आकर कहती है कि मां आपने हमारे पतियों को देखा। अरे मैंने किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं हम हमारे पति माने ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने देखा। बोले मैंने नहीं देखा। बोले वो आपके घर पर आए थे। बोले मेरे घर पर 10 दिन पहले 3 ब्राह्मण आए थे। बोले हाँ वही हमारे पति है, हमने हमने परीक्षा के लिए आपके वहां भेजा था। वो कहाँ है, वो तीनों कहाँ है। वो तीनों झूले देख रहे हो, पलने में तीनों सो रहे हैं, जाओ जाकर ले लो। तीनों दौड़ कर गई, लक्ष्मी जी ने 10 दिन के बच्चे को अपने पति को गोद में उठाया, छोटे से भगवान विष्णु थे, पति को ऐसे गोद में। पार्वती ने शिव जी को उठाया, वो भी छोटे से शिव जी, और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को उठाया। पति तो मिल गए लेकिन 10 दिन के पति का क्या करे। अब तीनों अनसुईया के चरणों में गिर गई, मां हमें क्षमा कीजिएगा, मां हमने ऐसा सोचा था कि हम ही हमारे पतियों की अच्छे से सेवा करती हैं, हम ही पतिव्रता नारी हैं, लेकिन आज साबित हो गया हमसे भी अधिक पतिव्रता आप हो, और हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारे ये पतियों को ओरिजिनल रूप में वापस कर दीजिए, ये 10 दिन के बच्चे को हम कहां रखेगी। तब अनसुईया ने कहा फिर से कि मैं यदि पतिव्रता नारी हूं, स्वप्न में भी पर पुरुष को देखा ना हो, मैंने कभी मेरे पति को दुखी न किया हो, तो ये तीनों बच्चे अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाए। इतना बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के गोद से कूदे और सामने खड़े रह गए अपनी मुद्रा में। लेकिन अनसुईया माता की जय जयकार हुई और तीनों रानियां पत्नियां अपने अपने पतियों को लेकर निकल गई। भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा। ये तीनों वहां से निकले, अपनी अपनी पत्नियों को कहा कि आप गाड़ी में बैठो, हम अनसुईया माता से मिलकर आते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि माँ, आपने हमें बहुत प्रेम दिया और हमारे ऊपर तो आपका ही अधिकार बनता है, आप तो जानती हो ना, पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है, इसलिए अभी तो हम अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हम तीनों अपने अपने अंश से आपके गर्भ से जन्म लेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, फिर आगे चलकर ब्रह्मा के अंश से अनसुया के गर्भ से सोम का जन्म हुआ, शिव जी के अंश से अनसुया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और भगवान विष्णु के अंश से अनसुया माता के गर्भ से भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की। तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठा अवतार है कौन सा? दत्तात्रेय। भगवान दत्त, दत्तात्रेय जिसे कहते हैं, त्रेय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके तीन मस्तक थे। ऐसा भी कहते हैं, किसी एक पुराण में ऐसा भी कहा है कि एक मस्तक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश से ये तीनों मस्तक हुए। भगवान दत्तात्रेय के अनेकों नाम है। भगवान दत्तात्रेय को योगी राज भी कहा जाता है, सिद्ध राज भी कहा जाता है, देव देवेश्वर भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय को अविनाश या सदगुरु देव भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय की कथा श्रीमद् भागवत के एकादश कंध में है, और ये कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रसंग होगा। कृष्ण स्वयं भगवान ने उद्धव को दत्तात्रेय की कथा सुनाई। भगवान दत्तात्रेय जिनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारा चरित्र है, लेकिन हमें जानने लायक भगवान दत्तात्रेय की महिमा ये रही, उन्होंने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु? 24। और मजे की बात यह है कि गुरु उनके पास नहीं आए, ये गुरु के पास गए, और वह गुरु और कोई नहीं, प्रकृति में विचरण करते हुए, संसार में विचरण करते हुए प्रकृति से ही उन्होंने 24 लोगों से शिक्षा ग्रहण की, और इन 24 को ही उन्होंने अपने गुरु मान लिए। गुरु उसे कहते हैं जो हमारा अज्ञान दूर करे, गुरु उसे कहते हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करे, भगवान दत्तात्रेय। अब प्रसंग तो कुछ ऐसा था कि यदु महाराज का नाम आपने सुना होगा। यदु महाराज ने एक दिन देखा कि मेरी सभा में कोई नहीं आया, वो सभा लगाकर बैठे थे, उसका मंत्री था, 2-5 लोग थे, देखा लोग नहीं है, बोले प्रजा को क्या हो गया, प्रजा कहां चली गई? तो मंत्री ने कहा कि आज यहां कोई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आज हमारे राज्य में महाराज आए हैं। यदु ने कहा अरे मैं राजा हूं और मेरे से भी कोई बड़ा महाराज आया है? बोले हाँ महाराज आए हैं और उसी को देखने सब चले गए। तब यदु ने मन में सोचा कि कोई बड़ा राजा होगा। यदु महाराज ने जाकर देखा तो दिगंबर अवस्था में और जिसके पास कोई कुछ नहीं, ऐसे भगवान दत्तात्रेय को उन्होंने देखा। और यदु महाराज मन में सोचते हैं कि मैं राजा हूं, इतना कुछ मेरे पास है, फिर भी लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, और इसके पास एक वस्त्र भी नहीं, फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे पागल हैं। राजा ने कहा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, मैं राज सिंहासन पर बैठकर भी लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, और दुनिया उसके पास कुछ नहीं है फिर भी पागल है। वो राजा कहां जानता था कि तुम कुर्सी पर बैठे हो और वो साधु
लोगों के दिल में बैठा है। और हुकूमत वही करता है जिनका दिलों में राज होता है, हुकूमत वही करता है जिनका दिलों में राज होता है, वरना मुर्गों के सर पर भी ताज होता है। केवल कुर्सी मिल जाना, कोई पद मिल जाना, कोई पोस्ट मिल जाना, ये कोई बहुत बड़ा राजपना नहीं है। असली राजा तो वो है जो जनता के दिलों में राज करता है, और सच्चे संत सच्चे साधु लोगों के दिल में राज करते हैं। भगवान दत्तात्रेय कुछ ऐसे थे। यदु महाराज ने कहा कि मेरे पास इतना धन संपत्ति, फिर भी मैं केवल राजा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप महाराजा। हमारे इस्कॉन मंदिर में भी होते ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधा गोविंद महाराज, उसे महाराज कहते हैं। तो ये कहते हैं मैं केवल छोटा सा राजा और वो आप महाराज हैं। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा इसका कारण ये है क्योंकि मैंने 24 गुरु बनाए हैं, और इस 24 गुरु के कारण मेरे जीवन में पूर्ण सुख है, शांति है। तो बताइए वह 24 गुरु कौन है, आप जानना चाहोगे 24 गुरु? नहीं, 24 गुरु जानना चाहोगे कि आज भोजन में 24 आइटम कौन सी है वो जानना चाहोगे खाने के लिए। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। नंबर आप गिनिएगा, ठीक है? पहला है पृथ्वी। इसका तो विस्तार हो सकता है लेकिन मैं एक एक शिक्षा लेकर आपको आगे बढ़ूंगा। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण की? क्षमा। अन्य जीवों को क्षमा करने की शिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से ग्रहण की। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, पृथ्वी हमारी माँ है। जीवन जो हम जी रहे हैं, सारी वस्तु हमें पृथ्वी से मिलती है, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी पर अपना पांव रखते हैं और धरती को बिगाड़ते रहते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये विष्णु की पत्नी है लेकिन फिर भी हम उस पर अपना पांव देते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी है कि वो क्षमा कर देती है, चलो क्षमा करें। सो भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया और उसे क्षमा ग्रहण किया। 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को क्षमा करता है तो 50 साल के बूढ़े से 5 साल का बालक महान माना जाता है। मनुष्य में अनेकों गुण होते हैं लेकिन सबसे बड़ा गुण है दूसरों को क्षमा कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहां विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने उसे क्षमा कर दिया, जिससे विष्णु भगवान का यश तीनों लोक में बढ़ गया। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। भक्तों, हम लोग संसारी हैं, गृहस्थ हैं, जीवन के किसी मोड़ में कभी कभी अपनों से कोई गलती हो जाए, कोई पत्नी से, पति से, घर की किसी बहू से, बेटी से यदि गलती हो जाए तो दिल बड़ा रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। दुनिया के लोग प्रसन्न हो या न हो, मेरा कृष्ण तो अवश्य प्रसन्न होगा, क्योंकि जो दूसरों पर क्षमा करते हैं, दुनिया भले उसे सर्टिफिकेट न दे, भगवान तो उसे अपना ही बना लेते हैं, भगवान उसे अपना मानते हैं। हमारा क्या है ना, हम छोटी छोटी बातों में एक्शन ले लेते हैं। क्षमा की तो बात ही कहा, किसी ने गाली दिया तो सीधा रिबाउंस। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा तो न्यूटन तो हमारा जेब में ही होता है, सिद्धांत को लेकर ही चलते हैं। वो जितना वो थप्पड़ मारा तो हम भी मार देते हैं, वो गाली दिया तो हम भी गाली दे देते हैं।
एक बार क्या हुआ कि एक भगत था और उसे बहुत कोई परेशान करने लगा, मारने लगे, और कृष्ण द्वारिका में बैठे थे, भोजन कर रहे थे। भोजन का एक निवाला, दो निवाला, तीन निवाला खाया और अचानक खड़े हो गए, दौड़ने लगे, बिल्कुल दौड़ने लगे। लक्ष्मी जी, रुक्मणी, सत्यभामा पूछ लगी, प्रभु कहाँ कहाँ, किसी को जवाब नहीं दिया। और दरवाजे तक पहुंचे, वहां से वापस आए, फिर से बैठकर खाने लगे। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु ये कौन सी लीला, भोजन करते करते भाग रहे थे और फिर आकर फिर से बैठ गए, कारण क्या है? कृष्ण ने कहा, धरती पर कुछ लोग मेरे भक्त को परेशान कर रहे थे, तो मैं उसे बचाने जा रहा था। कोई मेरे भक्त को कैसे परेशान करेगा, मैं उसे बचाने जा रहा था। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जा रहे तो वापस क्यों आ गए? बोले, जब तक दरवाजे तक पहुंचा तब तक उसने ही हाथ उठा दिया। हमने चूड़िया थोड़ी पहन रखी है, ऐसे करके दो तीन उसने ही थप्पड़ मार दिया। अब ये नेक काम मेरे डिवोटी को ही करना है, तो मैं क्यों इंटरफियर करूं? बैठकर भोजन करने लगे। जीवन के कुछ काम जो है ना, प्रभु के ऊपर छोड़ देने चाहिए। और जब हम इस प्रकार से क्षमा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसका प्रमाण है देवी पृथ्वी। वसुंधरा को भगवान ने अपनी पत्नी इसलिए बनाया क्योंकि पृथ्वी दूसरों को क्षमा करती है। ज्यादा नहीं, क्योंकि 24 गुरु है, नहीं तो उसी में पूरा दिन चला जाएगा। अच्छा, दूसरे गुरु है प्राणवायु। जैसे हम प्राण के बिना जी नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार हमें कृष्ण को अपना प्राण से भी अधिक प्रिय समझना चाहिए। हमारा उद्धार, हमारा कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक प्राणों की तरह कृष्ण से प्यार नहीं करेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने तीसरे गुरु बनाया आकाश। आकाश का एक गुण है, इस दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, आकाश आपको सब जगह पर मिलेगा। आप अमेरिका चले जाओ, आकाश तो वही है, सूर्य भी वही है, पानी भी H2O वही है, हवा भी वही है, केवल लोग बदल जाते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भगवान दत्तात्रेय ने उनसे ये गुण ग्रहण किया, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त है। एक साधारण आकाश सब जगह पर हो सकता है, तो भगवान सब जगह पर क्यों नहीं हो सकते? सो आकाश से ये गुण। चौथा है जल। जल को गुरु बनाया। जल जो है ना, बहता रहता है, और उसे क्या सिद्धांत लिया, जल यदि एक स्थान पर टिक जाए, एक जगह पर रह जाए, तो वो सड़ जाता है, उसमें गंध आती है, उसमें वो गंदगी हो जाती है। तो पानी बहता भला, संत चलता भला। जल से ये गुण ग्रहण किया कि जल की तरह बहते रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। कितने हुए? चार। पांचवा है अग्नि। भगवान दत्तात्रेय ने अग्नि से तपस्वी होकर तेजस्वी बनने का गुण ग्रहण किया। अग्नि जलती है और जलने से उनका तेज बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर को तपाना चाहिए, शरीर को शरीर से तपस्या करानी चाहिए, और शरीर से जितनी तपस्या कराओगे शरीर का तेज उतना ही बढ़ेगा। भोगों से तेज खत्म होता है, तपस्या से तेज बढ़ता है। फिर छठे गुरु हुए चंद्रमा। चंद्रमा जैसे चंद्रमा बढ़ता है और घटता है, हम देखते हैं ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, चंद्रमा बढ़ता भी है घटता भी है। चंद्रमा बढ़े या घड़े घटे, लेकिन वो रहता तो चंद्रमा ही है। ओके,
हम यह कहेंगे ये प्रथमा का चंद्रमा है, द्वितीया का है, लेकिन है तो चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार कभी कभी ज्यादा भोजन कर लेने से हमारा शरीर बढ़ता है, डाइटिंग कर लेने से घटता है। कभी कभी ये शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिलता है, तीसरा चौथा शरीर। तो हमारा शरीर बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बदलते रहता है, लेकिन आत्मा वैसा का वैसा ही रहता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा से ये गुण ग्रहण किया। तत्पश्चात सूर्य, सूर्य अपना प्रकाश देकर, सूर्य अपने प्रकाश से पृथ्वी की वस्तु को शुद्ध करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से ये गुण ग्रहण किया कि अपने पास जो भी प्रकाश, हमारा प्रकाश क्या है, हमारी धन संपत्ति, हमारा जो भी सामर्थ्य है, वो देकर हम उसे शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। फिर भगवान दत्तात्रेय ने अजगर को गुरु बनाया। अजगर, अजगर की एक विशेषता आप जानते हैं, अजगर भोजन प्राप्त करने के लिए कभी मेहनत नहीं करता। आप जानते हैं अजगर जो है भोजन के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो भोजन के लिए मेहनत ना करो, थाली तो हमको लेनी पड़ेगी। अजगर थाली भी हाथ में नहीं लेता। अजगर एक स्थान पर बैठता है और उसके मुख में भोजन आए वही ग्रहण करता है। और प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि 2-5-15 दिन में उसके मुख में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से यह गुण लिया कि अजगर को बिना मेहनत किए भोजन मिल सकता है, तो मैं तो साधु हूं, मैं तो डिवोटी हूं, मैं तो भजन करने वाला आदमी हूं, तो जो कृष्ण का भजन करता है उसे बिना मेहनत किए भोजन क्यों नहीं मिलेगा। तो अजगर वृत्ति उन्होंने धारण की। फिर भगवान दत्तात्रेय ने फतिंगे को अपना गुरु बनाया। हम लोग वो अग्नि प्रकट होती है उसमें एक फतिंगा होता है, उसको टच करते ही मर जाता है। कभी कभी लाइट फोकस के ऊपर नहीं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं मर जाते हैं। तो वो जो जीव जंतु होते हैं ना, उसको प्रकाश बहुत पसंद होता है, वो रूप के अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं। लेकिन उसको पता नहीं मैं वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो रूप में आसक्त फतिंगा उस प्रकाश के पास, तेज के पास जाता है और अपना प्राण त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग संसार की तड़क भड़क में, संसार की ताम जाम में आसक्त होंगे तो अपना प्राण एक ना एक दिन गवा बैठेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने मधुवे को अपना गुरु बनाया। मधुहा, ये जो शहद होता है ना, हनी, हनी उतारने वाले को मधुहा कहते हैं। मधुमक्खी रात दिन मेहनत करती है, फूलों से रस निकाल निकाल कर जमा करती है। अब फूलों से रस निकाल कर पी जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो रस को पीती नहीं है, वो किसी एक स्थान पर जमा करती है, ये सोचकर कि हम बहुत सारा शहद जमा करेंगे और फिर आराम से पिएंगे। तो बेचारी कितनी मेहनत, मधुमक्खियों को आपने देखा होगा, मेहनत कर करके रात दिन फूलों से रस निकाल निकाल कर वहां जमा करती हैं, और जब बहुत सारा शहद जमा होता है तब तक एक जल्लाद आता है, आग लगाता है, सारी मधुमक्खी को मार देता है और वो शहद लेकर चला जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने इसको गुरु बना लिया कि हम और आप संग्रह करते हैं, धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, इतना संग्रह, इतना संग्रह, लेकिन एक दिन काल आता है, मृत्यु आती है, हम मर जाते हैं और धन पैसा संपत्ति वैसे के वैसे रह जाता है। और यदि हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारी संपत्ति को अच्छे मार्ग में यूज करें, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे यदि अच्छे ना हो और हमारी संपत्ति को गलत मार्ग में यूज किए, तो यदि हम स्वर्ग में गए तो वहां से नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा कर्म छोड़कर गए हैं, और वह कर्म यदि बुरी जगह पर लगा तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए।
भगवान दत्तात्रेय ने एक बाण बनाने वाले को अपना गुरु बनाया। एक आदमी बाण बना रहा था, वो बाण का धार निकाल रहा था, तो कोई आदमी आकर कहा कि यहां से कोई बारात निकली। बाण बनाने वाले ने कहा मैं तो अभी बिजी था, मुझे पता नहीं। उस आदमी ने देखा तो बारात वहां से निकल चुकी थी। अब बारात में तो कितना डीजे होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, इतना आवाज हो रहा था, इतना कोलाहल था, फिर भी बाण बनाने वाले को पता नहीं रहा कि यहां से बारात चली गई। अर्थ क्या है कि ये अपने काम में इतना एंगेज था कि इतना कोलाहल, इतनी बड़ी बारात बाजू से निकल गई फिर भी पता नहीं रहा। इससे भगवान दत्तात्रेय ने गुण ग्रहण किया कि अपने आप को भगवत कथा में इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि दुनिया का कोलाहल हमें समझ में ही ना आए। दुनिया में तो कलह है, प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप को हरि सेवा, हरि कथा में इतना एंगेज रखो कि दुनिया का यह क्लेश हमें समझ में ना आए। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने अनेकों गुरु बनाए और इन गुरु के आधारित होकर अपना जीवन संवार दिया। भगवान कृष्ण ये बात उद्धव से कहते हैं, उद्धव भवसागर में डूबते डूबते यदि किसी को नौका मिल जाए तो होप है कि चलो नौका मिल गई, डूबने से बच गए। लेकिन नौका में बैठकर भी केवल नौका मिलने से काम नहीं होगा, उस नौका को चलाने वाला कोई कैप्टन, कोई कर्णधार भी होना चाहिए। इस भवसागर में डूबते डूबते ये मनुष्य जीवन जो है एक नौका है, और इस मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करने वाला कैप्टन, जिसे हम गुरु कहते हैं, यदि हमने मनुष्य जीवन और उसमें गुरु का सहारा लिया तो हम भवसागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा हम इस भवसागर में डूबते रहेंगे, मरते रहेंगे। जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना मरना, इसी चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है तो हम मनुष्यों को चाहिए कि सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कोई सद्गुरु की शरण ग्रहण करें, और सद्गुरु है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जैसे शुद्ध संत, शुद्ध आचार्य की शरण ग्रहण करें और हमारे मनुष्य जीवन को एक योग्य राह पर मार्गदर्शन में लेकर जाए। तो इस प्रकार कितने अवतार हुए हैं? 6 अवतार हुए। इस प्रकार छठा अवतार हुआ भगवान दत्ता। श्री भगवान दत्तात्रेय की जय। अब 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। श्री यज्ञ अवतार की जय। यज्ञ के रूप में भगवान का जन्म हुआ। जब मनु महाराज तपस्या करने वन में गए, शत्रुपा देवी के साथ धेनुमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्ष बीत गए और वहां पर एक असुर आया और मनु महाराज को परेशान करने लगा। और उसी समय मनु महाराज की एक कन्या जिसका नाम था आकुति, और आकुति के पति थे रुचि प्रजापति, और आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ का जन्म हुआ। भगवान विष्णु यज्ञ बनकर प्रकट हुए और लक्ष्मी जी दक्षिणा बनकर प्रकट हुई, और भगवान यज्ञ ने उस असुर का वध किया और मनु शत्रुपा को निर्भय किया। सो भगवान यज्ञ, और यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ जिससे 12 पुत्र की प्राप्ति हुई, तोष प्रतोष संतोष इत्यादि। तो ज्यादा नहीं है भगवान यज्ञ के बारे में, केवल इतना
भगवान का आठवां अवतार हुआ ऋषभ अवतार। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ये राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं, ये ट्रेन ऐसे ही चलती है, ज्यादा स्टेशन नहीं लेती है। तो ऋषभ अवतार, इस पर थोड़ा सा हम समय दें। ये एक ऐसा अवतार है हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में, 24 अवतारों में आठवां अवतार ऋषभ अवतार माना गया। और हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा धर्म, एक ऐसा समाज है, जैन धर्म, आप लोगों ने सुना होगा। हमारे जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उनके 24 तीर्थंकर है, उन 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर वे भगवान ऋषभ देव को मानते हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानते हैं। खैर, मैं तो यही कहूंगा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म का सेतु है भगवान ऋषभ देव, जो दोनों धर्मों को एक करते हैं। भगवान ऋषभ देव एक बहुत सुंदर तरीके से, मनु और शत्रुपा की 5 संतान थी, उनमें ज्येष्ठ थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, उनमें प्रथम 3 पुत्र कवि महावीर संवत ये सन्यासी हुए, और अन्य 7 पुत्र महाराज प्रियव्रत ने उनको 7 द्वीप का राजा बना दिया। उसमें जो सबसे बीच में द्वीप था, उस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप, और महाराज प्रियव्रत के बड़े पुत्र का नाम था आग्निग्रह, और आग्निग्रह को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। फिर आग्निग्रह ने विवाह किया और उसके 9 पुत्र हुए, तो उसने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया, और आग्निग्रह के ज्येष्ठ पुत्र थे नाभि, और ये 9 खंड में जो मुख्य खंड था भारत खंड, और आग्निग्रह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को भारत खंड का राजा बनाया। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ, और नाभि और मेरु देवी को वैसे कर्म से उनको कोई संतान नहीं हुई, लेकिन वैष्णवों को प्रसन्न किया, बहुत सुंदर यज्ञ किया, और भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म में कोई संतान नहीं है, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो संतान तो तुमको नहीं होने वाली, लेकिन मैं प्रसन्न हूं इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निग्रह, आग्निग्रह के नाभि, और नाभि की पत्नी मेरु देवी के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ये सब आपको याद रह रहा है ना? नहीं तो भगवान, इतना तो याद रखिए, भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बचपन से ही इनके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, उत्तम थे। इनके राज्य में इंद्र ईर्ष्या करके वर्षा नहीं किए, तो इनके अपने भक्ति के बल से वर्षा कर दी। बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए। आगे भगवान ऋषभ देव ने विवाह किया और उनको 100 पुत्र हुए, और सारे के सारे पुत्र सक्सेस हुए। 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए, अन्य 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए, कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, जिसके नाम भागवत में। और जो सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भगवान ऋषभ देव का था, उसका नाम हुआ भरत। भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सो बड़े प्रतापी राजा भरत हुए, और ये सब सक्सेस हुए इसका कारण यही था, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया था। भगवान ऋषभ देव का सुंदर उपदेश यदि हम सुनेंगे तो हम भी अपनी अपनी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आइए 2-3 श्लोक में भगवान ऋषभ देव के आपको सुना।
नायं देहो देह भाजान्द्रिलोके कष्टान कामान अर्हते वीड भुजाम ये तपो दिव्यं पुत्र काये न सत्वं शुद्येत्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तुयनन्तम्। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए संबोधन देते हैं पुत्र का, हे मेरे प्रिय पुत्रो, मैं तो केवल एक शब्द पर एक घंटा प्रवचन करता हूं, लेकिन समय के अभाव में मैं इतना ही कहूंगा, जब भी हमें किसी को उपदेश देना होता है ना, तो संबोधन अच्छा करना चाहिए। एक तो हम हमारे बच्चों को उपदेश देते नहीं है, और यदि देना चाहे तो हमको उपदेश देना आता नहीं है। अरे तू बुद्धू है, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ नहीं करने वाला है, ऐसा डांट कर हम लोग उपदेश देते हैं। कभी कभार पत्नी को भी कुछ कहना होता है तो क्रोध करके डांट कर, एक बात याद रखिएगा, अपने फैमिली में, अपने परिवार में, खास करके पत्नी बच्चों से डांट कर आप कोई काम नहीं करा सकते। डांटोगे तो केस बिगड़ेगा, बिगड़ेगा और बिगड़ेगा। यदि चाहते हो कि आपका केस सुधर जाए तो प्रेम से काम कराना है, प्रेम से उपदेश देना है। हे मेरे प्रिय पुत्रो, पत्नी को भी यदि कहना है तो कहना चाहिए, हे प्राण प्रिया, क्या करूं, आजकल गीता भी पढ़ता हूं तो मुझे तू ही दिखाई देती है, मैं भागवत का श्लोक देखता हूं तो तेरा दर्शन होता है। पत्नी तो बेचारी पानी पानी हो जाएगी, पति तो बताओ क्या करना है, लेकिन हमको तो ये आता नहीं है। पार्वती ने शिव जी को डांट कर कहा, शादी हुई इतने दिन हो गए, आपके गले में इतनी सारी खोपड़ी, किसकी खोपड़ी लेकर घूमते हो, हैं? ये किसकी खोपड़ी है? शिवजी ने जो आंसर दिया ना, पार्वती भगवान से भी ज्यादा मैं प्रेम करता हूं तो तुझसे करता हूं, इसलिए जब जब तेरी मृत्यु होती है ना, मैं तुझे भूल नहीं पाता, इसलिए तेरी खोपड़ी मैं मेरे गले में धारण कर लेता हूं। ये तेरी खोपड़ी है, तेरी खोपड़ी है ये। हम तो पत्नी की खोपड़ी नहीं रख सकते, लेकिन वो लॉकेट तो बना सकते ना, वो हार्ट शेप वाला, उसको खोलेंगे उसमें उसका फोटो होता है ना। पत्नी क्रोध करते करते दूर से आए ना तो लॉकेट खोल के खड़ा रहना है, आधी बिचारी ठंडी हो जाएगी है? ये सब शिव जी सिखाते हैं कि ऐसे थोड़ा सा मेंटेन करना। एक पत्नी घर पर झाड़ू मार रही थी और झाड़ू मारते मारते देखा पति सो रहा है, उसका पॉकेट पड़ा है। बोले आज तो चोरी कर ही लूंगी, ये तो मुझे कभी पैसे देता ही नहीं है, आज ये सो रहा है, पॉकेट पड़ा है। जैसे ही पॉकेट ऐसे खोला, 2000 की एक नोट, दो नोट, तीन नोट सरकाने गई ना, तो पॉकेट से एक फोटो गिरा, और ऐसे फोटो उठाकर देखा तो पत्नी का खुद का फोटो, और ये तो गदगद हो गई, आंखों से आंसू निकल गए। अरे रे 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 रे, मेरा पति मेरा फोटो मेरे अपने पॉकेट में रखता है। वो 2000 की तीन नोट फिर से पॉकेट में रख दी। कितना साधु आदमी है, कितना भोला आदमी, कितना अच्छा है, मुझसे इतना प्रेम करता है कि पॉकेट में मेरा फोटो रखता है। चोरी करने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, ऐसे ही रख दिया। फिर एक दिन पत्नी ने पूछा, पति देव मेरा फोटो आप अपने पॉकेट में रखते हो? बोले हाँ रखता हूं। बोले इतना प्रेम करते? बोले प्रेम प्रेम कुछ नहीं, जब मुझे बहुत टेंशन होता है, जब मुझे बहुत चिंता होती है, वसूली करने वाले खड़े हैं, बिल वाले खड़े हैं, ये है वो है, चारों ओर से टेंशन होता है ना, मैं तेरा फोटो देख लेता हूं, इसके सामने ये सब टेंशन क्या है, जब इसको झेल लिया तो ये सब क्या है, ये तो सब है।
जब मैं इसको झेल पाता हूं तो ये सब तो ठीक है, ऐसे हल्के हो जाते हैं। पुत्र का भगवान ऋषभदेव बड़े प्रेम से अपने पुत्र को संबोधन देते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों, ये मनुष्य जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन खाने पीने के, कुछ लोग कहते हैं चार दिन की चांदनी ऐश कर ले यार, पार्टी कर ले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 5 साल से शुरू ही हुई है, इसकी खत्म ही नहीं हो, गाना बज ही रहा है। लेकिन ऐश है कहां, मुझे बताइए। हम लोग सोचते हैं कि कुछ भोजन कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। कितना भोजन करोगे और भोजन करके हम कितना सुखी होंगे? अरे थोड़ा भी ज्यादा भोजन कर लेते ना तो अपच हो जाता है, गोलियां लेनी पड़ती हैं। हमसे ज्यादा सुखी तो कुत्ते बिल्ली हैं, 24 घंटा भोजन करते हैं लेकिन किसी को डायबिटीज नहीं है, तय कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। यदि भोजन करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है तो हमसे ज्यादा तो पशु लोग भोजन करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बस सोने के लिए मनुष्य जीवन मिला है तो हम तो क्या सोते हैं, किसी को सोना है तो टाइम नहीं है और किसी के पास टाइम है तो नींद नहीं आती है। लेकिन आप देखो कुत्ता मर्सिडीज के नीचे सोया है, 50 लाख की गाड़ी कुत्ते के बाप की है, बताइए हमारा बेड कितने का, ज्यादा 1-2 लाख का, वो 50 लाख के बेड में सोता है और मर्सिडीज चली गई तो BMW के नीचे सो जाता है। तो हमसे ज्यादा खाने का सुख पशु लेते हैं, सोने का सुख पशु लेते हैं, तो क्या मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर, कुछ लोग क्या कहते हैं ज्यादा ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं मैं ना मेरे फैमिली को बहुत अच्छे से रखता हूं, मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत एंजॉय करता हूं, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। अपनी पत्नी बच्चों के लिए तो पशु कुत्ते बिल्ली भी काम करते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन कुछ विशेष काम करने के लिए मिला। और वो विशेष काम क्या है, धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। क्यों, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, केवल एक ही अंतर है, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। आप सोचो यदि कोई पशु धर्म का पालन कर रहा है, मतलब यहां कोई कुत्ता आना चाहे तो आप आने दोगे? चलो कोई अच्छा प्यारा कुत्ता आ भी जाए तो हमारी तरह बैठ सकता है? चलो बैठ भी जाए तो क्या ये समझ सकता है, और समझ भी जाए तो क्या इन बातों को जीवन में उतार सकता है, हरि नाम भगवान का नाम ले सकता है, नहीं ले सकता। ये केवल मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है। सो मनुष्य जीवन स्पेशल धर्म करने के लिए मिला है। इसलिए सिद्धांत ये बनता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि धर्म का पालन न करे तो हम पशु के समान है, हमारा जीवन पशु के समान, दो पैर वाला पशु। क्यों, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला वो तो कर ही नहीं रहा है। भगवान ऋषभदेव ने कहा एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपदीयमाने प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। मई वासुदेवे यावत प्रीति न जायते तावत इदम देह न मुच्यते। जब तक मुझ वासुदेव कृष्ण में प्रेम नहीं होगा तब तक मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं होगा, वह सुख व शांति
हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, मुझे बताओ, जन्म से लेकर हम लोग कुछ खोज रहे हैं। यदि अपने जीवन पर थोड़ी सी दृष्टि करो, सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर से, इंस्टा से आपको टाइम मिले, थोड़ा सोचो कि जन्म से हम लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमको माँ चाहिए, हम सब की यह कथा है। उस छोटे से बालक को माँ नहीं होगी तो वह रोएगा, उसको कुछ भी दे दो लेकिन उसको माँ चाहिए। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो माँ को भूल गया, बाप चाहिए, क्योंकि खिलौना, पैसे, वो तो बाप ही लाता है, तो बाप चाहिए। और थोड़ा बड़ा हुआ तो न माँ चाहिए न बाप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। और थोड़ा बड़ा हुआ तो गर्लफ्रेंड चाहिए। और थोड़ा बड़ा हुआ तो पैसे चाहिए। और बड़ा हुआ तो पत्नी चाहिए। और बड़ा हुआ तो बच्चे चाहिए। यार, इसको जीवन भर चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम हमारे जीवन में कुछ खोज रहे हैं। और क्या खोज रहे हैं? हम प्रेम खोज रहे हैं। हम सब आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। मैं आपको कहूं, सॉल्ट, नमक का स्वभाव क्या है? सॉल्टी लगना, खारा लगना। यदि नमक में से सॉल्टी, खारापन निकाल दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। सो खारा लगना ये नमक का स्वरूपगत स्वभाव है। मीठा लगना ये मिश्री का स्वरूपगत स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार प्रेम करना ये आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है। आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है, प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग प्रेम कभी अपनी माता में खोजते हैं, कभी पिता में, कभी फ्रेंड्स में, कभी गर्लफ्रेंड में, कभी पैसों में, कभी पत्नी में, कभी बच्चे में, कभी समाज में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी मूवी में। हम ये प्रेम खोज रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो प्रेम एक और मात्र एक परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का प्रेम एकमात्र परमात्मा से ही पॉसिबल है। कई बार आजकल के बच्चे कहते हैं ना, आई एम फॉल इन लव। तू ठीक बोल रहा है, तू गिरा हुआ ही है। वो बेचारा स्वीकार तो कर ही रहा है कि आई एम फॉल, मैं गिर गया। तू गिरा है तो तुझे लगेगा भी, तो रुक जा। हम और आप जिसे लव कहते हैं ना, वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। वो एक ना एक दिन आपको वो काम वासना के प्लेटफॉर्म पर लेकर चला जाएगा। लव इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। प्रेम एकमात्र अध्यात्मता में ही पॉसिबल है। आत्मा चिन्मयी है और चिन्मयी तत्व का प्रेम जड़ शरीर से, जड़ वस्तु से इम्पॉसिबल। चिन्मयी तत्व का प्रेम केवल चिन्मयी तत्व से ही हो सकता है। सो आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही पॉसिबल है। हमारा प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। और हम प्रेमी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारी इच्छा पूरी करे, वो हमारी फीलिंग्स समझे, हमारी भावनाओं को समझे। अच्छे से अच्छा पति भी अपनी पत्नी की सारी भावनाओं को कहां समझ सकता है? अच्छे से अच्छा फ्रेंड भी अपनी सारी भावनाओं को कहां समझ सकता है? हमारी आपकी सारी फीलिंग्स एकमात्र कृष्ण समझेंगे, भगवान समझेंगे। इसलिए यदि प्रेम करना है तो भगवान कृष्ण से करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने कह दिया। और अंत में भगवान ऋषभदेव कह गए कि बच्चों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका बाप हूं। और एक बाप का कर्तव्य है अपने बेटे को यह शिक्षा दे। एक माँ बाप, एक पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को ये अध्यात्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनको बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरुम न सस्यात, देवम न तत्स्यात, न मोच एत समुपेत मृत्युम।
वो माँ माँ नहीं, वो बाप बाप नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु से बचा न सके, भगवान के गोद में बिठा न सके। इसलिए प्रत्येक पेरेंट्स का कर्तव्य है अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा दें। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं फोक के कैसे कैसे खाया जाए, वो डंडी पकड़कर नूडल कैसे खाया जाए, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्म से हम लोग यही करते आए हैं। आपने कहीं सुना शराब कैसे पिया जाए, ये क्लासेस शुरू हुए हैं दिल्ली में, या सिगरेट कैसे पिए जाए, ऐसे क्लासेस शुरू हुए नहीं, वो बिना क्लासेस से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये करोड़ों जन्म से करते आए हैं। सिखाने की जरूरत है तो वो है त्याग, वो है तपस्या, वो है धर्म, वो है भक्ति, और वो है भगवान से प्रेम, जो भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। सो इस प्रकार से आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव का हुआ। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। तो फिर से रिवीजन करें, पहला अवतार सनकादिक, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल देव भगवान, छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय, सातवां अवतार यज्ञ, और आठवां अवतार ऋषभ। और भगवान का नौवां अवतार दो मिनट में कहकर हम विराम करेंगे, और वो है पृथु अवतार। श्री पृथु भगवान की जय। आपने ध्रुव का नाम सुना है, ध्रुव महाराज बिठूर से निकले थे 250 किलोमीटर दूर से, ब्रज में आकर 6 महीना तपस्या की और भगवान विष्णु को प्राप्त किया। उस ध्रुव के पुत्र हुए वत्सर, वत्सर के पुत्र हुए संवत, संवत के पुत्र हुए पुष्पार्ण, पुष्पार्ण के पुत्र हुए व्युष्ट, व्युष्ट के पुत्र हुए चक्षु, चक्षु के पुत्र हुए मनु, और उस मनु के वंश में जन्म हुआ अंग, राजा अंग का, और अंग के पुत्र हुए वैण, और वैण के पुत्र हुए पृथु। ये ध्रुव की परंपरा में पृथु महाराज का जन्म हुआ। यही सिचुएशन में जन्म हुआ कि वैण ने अपने अत्याचार से पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया था, इसलिए पृथ्वी माता ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया। भगवान पृथु ने देखा, पृथु महाराज ने देखा कि मेरी प्रजा परेशान है, उन्होंने पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, उनका दोहन किया, अन्न औषधि को पुनः प्रस्थापित किया, और पृथु महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था तो देवराज इंद्र उसमें विघ्न देने लगा। पृथु महाराज का बता ना, आता माजी सटक ली, न लेना न देना, इंद्र परेशान कर रहा है। पृथु महाराज इंद्र से युद्ध करने तैयार हुए, ब्राह्मणों ने रोक दिया, तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, इंद्र को हम लोग देख लेंगे। ब्राह्मणों ने अपने मंत्र के बल से इंद्र को खींच कर उस यज्ञ में आहुति देने गए, इंद्र को जलाने के लिए, मारने के लिए तैयार हुए। तब तक ब्रह्मा प्रकट हो गए, बोले रुको रुको, ये इंद्र मर जाएगा। ब्रह्मा पृथु को साइड में लेकर गए, पृथु इंद्र को छोड़ दे। पृथु महाराज ने कहा, गलती मेरी है कि इंद्र की है? ब्रह्मा जी ने कहा, ऑब्वियसली गलती इंद्र की है, तो आपको मुझे समझाना चाहिए कि इंद्र को समझाना चाहिए? आपको तो गलती इंद्र की है, तो आपको इंद्र को समझाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, बोले बेटा पृथु, जो समझदार है उसे समझाया जाता है, पागलों को नहीं समझाया जाता। वो मदांध हो चुका है, उसको स्वर्ग में इतनी आसक्ति है कि वो सोच रहा है कि तू उसका स्वर्ग ले लेगा, उसे छोड़ दे, और तू समझ जा तो ये यज्ञ बंद कर दे। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथु महाराज ने अपना यज्ञ बंद किया। 99 अश्वमेघ यज्ञ से ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए
और पृथु महाराज के इस आचरण से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, पृथु तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब पृथु महाराज ने कहा, प्रभु आपको देना ही है तो मुझे 10,000 कान चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए ये 2 कान कम पड़ रहे हैं, मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूंगा और अपने जीवन को धन्य बना लूंगा। तो ऐसे पृथु महाराज, श्री पृथु महाराज की। तो वादे के अनुसार दूसरा दिन और 9 अवतार की कथा यहां पर समाप्त हुई। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर यहां पर उपस्थित हुए, आपका धन्यवाद। जो भक्त शुरू में आकर बैठे थे उसका धन्यवाद, और जो भक्त अभी अभी आए हैं, प्रसाद पाकर जाइएगा, उनका विशेष धन्यवाद है, सबका धन्यवाद। लेकिन अब आज डे कौन सा है, वार कौन सा है, है? गुरुवार। अब फ्राइडे सैटरडे संडे, अब आपकी ऑफिस के लोड भी कम होते होंगे, तो निवेदन इतना ही है ढिंगरा परिवार की ओर से कि आप समय से थोड़ा जल्दी आ जाइए। आप आओ या ना आओ, हम तो कथा शुरू कर ही देते हैं, लेकिन आप आओगे तो इस भागवत रस धारा का आस्वादन आप अच्छे से कर सकते हैं और हमारा उत्साह बढ़ सकता है। सो कृपया करके आने वाले अब केवल 3 दिन बाकी हैं, तो आप आइए। इन 3 दिनों में हम कृष्ण जन्म का फेस्टिवल मनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप सबको समय से आने का निवेदन है। और अपने मित्रों को साथ में लाइए, कथा सुनिए, जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी का, कि आज पुनः इस द्वितीय दिवस की कथा में हम सबको भगवान के 4 या 5 बहुत सुंदर अवतार की कथा श्रवण करने को मिली, और उसी कथा में बहुत सुंदर सुंदर उपदेश भी हमने श्रवण किए। जैसे कि हमने श्रवण किया आज 12 महाजन के विषय में, जिसमें हमें पता चला कि कैसे अधिक जो महाजन हैं दे आर गृहस्थ, और आज की कथा में गृहस्थ के ऊपर वाकई में बहुत सुंदर मतलब प्रभु जी ने एम्फेसाइज किया और हम सबको आस्वादन कराया। देन कपिल देव भगवान के विषय में उनके सुंदर उपदेश यहाँ पर कदम देहुदी द्वारा, एंड विद दैट बहुत ही सुंदर भगवान दत्तात्रेय का अवतार, और उन्होंने अपने जीवन में जो 24 गुरु को अपना आदर्श बनाया, उनसे शिक्षा ग्रहण की, वह हमें श्रवण करने को मिला, और भगवान यज्ञपति, और फिर उसके बाद ऋषभ देव और पृथ्वी महाराज। तो सुंदर कथा प्रभु जी ने आज हमें इस आज के इस दिन में श्रवण कराई। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम महाभद्र से उनको अभिवादन करें और उनको धन्यवाद करें। आइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं हमारे समस्त ढिंगरा परिवार के द्वारा आमंत्रित समस्त वैष्णवों का, जो समय से पहले आए जो समय के बाद में आए, उनका भी महामंत्र के द्वारा अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो आदर्श तो यही है कि हम कथा प्रारंभ हो, जैसे व्यास जी आए उसके पूर्व हम आ जाए, परंतु फिर भी वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, यू नो ही एक्सेप्ट ओनली एसेंसेस, यू नो। तो यहाँ पर हमने भी कथा में आज कुछ ना कुछ सार ग्रहण किया है, और एक साथ ही साथ निवेदन भी किया प्रभु जी ने भी, और हम भी आपको आज इस कथा के माध्यम से करना चाहते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर आप सब जल्द से जल्द समय के अनुसार अवेलेबल हो जाएं, जिससे कि आप यू नो कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। यू नो इट इज़ वेरी रेयर, माता जी ने पिछले 2 साल से 3 साल से इसको यू नो हमें अप्रोच कर रहे थे प्रभु जी को कि कथा हो, तो यू नो इट इज़ वेरी रेयर कि बार बार हम यहाँ पर आना इस प्रकार से नहीं होता है, तो सबके पास समय नहीं होता है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आसपास में हैं, नज़दीक हैं, तो
तो अधिक से अधिक लाभ लें और ये जो कथा का अधिक से अधिक हम श्रवण करें जिससे कि हम सब भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें. सो वंस अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू काइंडली यू नो बी प्रेजेंट ऑन टाइम एंड मेक श्योर यू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी की कथा. सो थैंक यू सो मच एंड विल रिक्वेस्ट नाउ टू फैमिली ऑफ डिंगरा फैमिली हमारे लोकेश्वरी प्रभु तथा ललिता सुंदरी माता जी के परिवार को कि वह सब आगे आए और श्रीमद् भागवतम की आरती के लिए तैयार हो जाएं और हम सब खड़े होकर श्रीमद् भागवतम की आरती करें, कीर्तन करें और इस द्वितीय दिन के सत्र को यहाँ पर विश्राम करें. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Krishna Govinda Govinda
गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम